हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज सिक्स क्लास का सातवां अध्याय सेवंथ लेसन यहाँ पे जो कि एक संकलित कहानियों से लिया गया है, यानी ये एक इतिहास के आधार पर यानी इस कहानी को रखा गया है, क्योंकि इतिहास पिछला इतिहास हमें आज दोहराने का कार्य यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो है एक कित्तूर जो कि कर्नाटक राज्य में आज बेलगांव या बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी वहां पे एक यानी जो किला है राज्य जो राज्य शासन था यानी जो यहाँ के राजा थे उनके बारे में या फिर वहां से यानी उस राजा का निदान होने के बाद मल्लसर्ज पट्टवर्धन जो कि एक राजा थे उनके बाद यानी उनकी पत्नी कित्तूर रानी चन्नम्मा, कित्तूर की रानी यानी चन्नम्मा जो कि ये है इनके बारे में यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है। तो सबसे पहले कित्तूर की रानी चन्नम्मा के बारे में हम देखेंगे। तो यानी यहाँ पे जो है इनका राज इनके वंश का राज जो था 1776 से लेकर 1832 तक यानी इनका क्या था राज्य था 1776 टू 1829 तक, यानी मतलब यानी जब यानी चन्नम्मा का मृत्यु हुआ तब वहां पे हुकूमत या वहां पे वर्चस्व अंग्रेजों का क्या है छा गया था। तो यहाँ पे कित्तूर की रानी चन्नम्मा यानी चन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में इनका जन्म हुआ और 21 फरवरी 1832 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते यानी यहाँ पे क्या है बलिदान होने वाली ये महिला ये स्वतंत्र वीरांगनी इनके बारे में यहाँ पे क्या है इस पाठ में बताने का क्या है कार्य यानी किया गया है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे यानी जो कि इन्होंने यहाँ पे 1857 के पूर्व 33 वर्ष यानी इन्होंने क्या है राज यानी किया है उस अपने इसमें। तो यहाँ पे आज हम इस पाठ को हम देखेंगे कित्तूर की रानी चन्नम्मा यानी आज इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वीर और साहसी महिलाओं से भरा पड़ा है। पाठ में बताया गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़े हैं लोग उस लड़ाई में यानी वीर और साहसी महिलाओं से भरा पड़ा है, यानी महिलाओं से भी भरा पड़ा है। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है या फिर हमारी चन्नम्मा है और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि यानी क्या है आजादी के लिए क्या है लड़ने वाले क्या है महिलाएं थे। कित्तूर की रानी चन्नम्मा ऐसी ही महान नारियों में से है जिन्होंने अपने अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से टक्कर ली परंतु झुकना स्वीकार नहीं किया। यानी यहाँ पे जो है यानी कित्तूर की रानी चन्नम्मा ऐसे महान नारियों में से एक है जो कि अंग्रेजों से अंतिम श्वास तक अंतिम सांस तक यानी लड़ने का कार्य किया और लड़कर यानी उन्होंने कभी उनके सामने झुकने का कभी क्या है प्रयास नहीं किया या कभी उन्होंने अंग्रेजों के सामने क्या है झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी चन्नम्मा के पति मल्लसर्ज के पट्टवर्धन की कैद में ही मृत्यु हो चुकी थी। मल्लसर्ज के पट्टवर्धन जो कि रानी चन्नम्मा के पति जो है यानी क्या है कहाँ पे यानी मल्लसर्ज के पट्टवर्धन जो है यानी क्या है जो हुकूमत थी उन्हें कैद किया गया था वहीं पे हुई थी। रानी के पुत्र का भी निधन हो गया था, पति यानी एक राजा के कैद में मृत्यु हो गया और बच्चे का भी क्या है रानी चन्नम्मा के बच्चे का भी क्या है मृत्यु
यानी क्या है हुआ था। लेकिन पुत्र के निदान से पूर्व इन्होंने गुरुलिंग मलसर्ज को गोद ले लिया था, यानी बालक को यानी चन्ना माने अपने क्या है गोद लेने का कार्य किया था बच्चे के मृत्यु के बाद, यानी बच्चे के मृत्यु से पहले ही उन्होंने क्या है मलसर्ग यानी क्या है यानी गुरुलिंग मलसर्ज को गोद में ले लिया था। अंग्रेजों ने इस गोद की रस्मों को स्वीकार नहीं किया, यानी अंग्रेज जो था यानी अंग्रेजी हुकूमत जो थी यानी वो क्या था उनका जो कायदा जो था यानी कानून जो बना था यानी उनके मन से ही क्या है बनाया जाता था। यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है यानी चन्नम्मा जो है यानी एक पुत्र को बच्चा था लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है एक ही बालक उन्हें करा और एक पुत्र क्या है बच्चे के मृत्यु से पहले ही निधन से पूर्व यानी क्या है जन्म लिया था लेकिन उस गोद लिए हुए यानी कार्य को क्या है वो यानी क्या है अंग्रेज यानी क्या है स्वीकार नहीं करते थे। रानी को आभास हो गया था यानी क्या है रानी क्या थी जान गई थी कि अंग्रेजों के एजेंट थैकरे की नियत कित्तूर के खजाने पर है। रानी ने यानी क्या है कित्तूर की रानी चन्नम्मा जो है यानी जान गई थी समझ गई थी यानी आभास होना मतलब क्या है यानी समझ जाना यानी यहाँ पे रानी चन्नम्मा समझ गई थी यानी जो थैकरे है जो कि एजेंट था जहां जहां पे भी वो आए वहां पे उन्होंने अपनी हुकूमत जो की थी अंग्रेजों की तो अंग्रेज लोग जो है यानी अपने एक एक एजेंट एक एक अधिकारी को क्या है नियुक्त करने का क्या है कार्य करते थे। लेकिन वो जो नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था थैकरे की नियत कित्तूर के खजाने पर थे, जो कित्तूर का जो खजाना है जो राज है वहां पे जो है उनकी क्या थी नियत खजाने पर है। अतः रानी चन्नम्मा ने कित्तूर के प्रमुख नागरिकों को एक गुप्त सभा में आमंत्रित किया। रानी ने यानी उषार पता चला कि यानी क्या है यहाँ पे ये जो लोग हैं ये क्या करने वाले हैं जरूर ये अंग्रेज क्या है यानी जो खजाना है जो धन दौलत है इसके ऊपर इनकी नजर पड़ी है इसीलिए उन्होंने क्या किया आके लोगों को गुप्त एक क्या है चुपके से एक क्या है सभा में आमंत्रित किया। सभा को अंग्रेजों से भावी खतरे के बारे में सचेत किया यानी क्या है बताने का कार्य किया। रानी ने यानी पता चला कि यानी यहाँ पे जो है यानी अंग्रेजों के यानी क्या है यानी हमारे कित्तूर के खजाने पर क्या है नजर पड़ने वाली इसीलिए उसके बारे में क्या है जागरूक करना या उसके बारे में क्या है बताने का कार्य यानी यहाँ पे कौन किया यानी रानी चन्नम्मा ने क्या है किया गया। कित्तूर के नागरिकों ने कित्तूर की समस्त जनता की ओर से रानी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया क्या है सहयोग करना यानी सहायता करना यानी आप रक्षा कौन करेंगे यानी रानी तुम ही करोगे इसीलिए पूरे नागरिकों ने यानी जैसे बताई यानी चन्नम्मा ने तो यानी पूरे नागरिकों ने सोचा यानी पूरी जनता तुम्हें क्या है सहयोग यानी क्या है सहायता करेगी ऐसा क्या है आश्वासन ऐसी गवाही क्या है देने का कार्य किया। तभी रानी ने एक साहसिक निर्णय लिया यानी तभी रानी ने क्या है सभी लोग यानी अपने सभी लोगों का विश्वास देखकर रानी ने एक निर्णय लिया यानी साहसिक निर्णय लिया अपनी सेना को सुसंगठित किया नहीं जमा किया ने जो सेना है संगठित किया एक विशाल समारोह आयोजित करके गुरुलिंग मलसर्ज का राज्याभिषेक कर दिया गया। यानी क्या है यानी रानी ने यानी क्या है एक साहसिक निर्णय लिया एक हिम्मत वाला एक निर्णय लिया और अपने सेना को सुसंगठित किया ने सेना बढ़ाई सेना को एकत्रित किया और कर यानी एक जो राज्याभिषेक है राजा राजा जिसे घोषित किया जाता है राज्याभिषेक भी किया गया है किसका यानी जो गोद लिया गया बच्चा है चन्नम्मा का उसका राज्याभिषेक किया गया। इस समारोह में कित्तूर के सम्मानित नागरिकों के अतिरिक्त अंग्रेज अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया यानी जो कार्यक्रम होने वाला है इस कार्यक्रम में यानी कित्तूर के यानी सम्मानित नागरिकों के अतिरिक्त भी क्या है सम्मानित जो मान सम्मान की जो लोग है कित्तूर के यानी उन नागरिकों के अलावा यानी अंग्रेजी अधिकारियों को भी क्या है आमंत्रित किया गया। इस समारोह में रानी के वफादार सैनिकों यमा उपस्थित सम्मानित नागरिकों ने शपथ ली हम अपने शस्त्रों को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे लेकिन कित्तूर पर दुश्मन की छाया भी न पड़ने देंगे। यानी जो है समारोह में जो है यानी जो लोग आए थे वफादार सैनिक और उपस्थित सम्मानित लोग इन्होंने शपथ ली
यानी क्या है स्वाधीनता, इसका जो स्वाभिमान है, इसका जो महत्व है, ये जो स्वतंत्रता है यानी स्वाधीनता है, यानी इसके ऊपर यानी किसी की यानी नजर नहीं पड़ने देंगे। यदि अगर किसी की नजर पड़े तो क्या है हम हंसते हंसते क्या है मर जाएंगे, मतलब कोई अगर इसके ऊपर बुरी नजर डालता है तो क्या है हम उसके विरुद्ध लड़ेंगे। इस प्रकार के आयोजन से जनता संगठित हो गई, संगठित मतलब क्या है एकजुट होना, एकत्र यानी हो गए थे सब लोग, एक हो गए थे, उसमें आत्मविश्वास व स्वाभिमान जागृत हुआ। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्वाधीनता यानी हमारा जो महत्व है, हमारा जो वैशिष्ट्य है इसका, उसके बारे में भी क्या है लोगों को क्या है जागरूकता हुई। सारा कित्तूर राज्य अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए रानी चंद्रमा के इशारे पर बलिदान के लिए तैयार हो गए थे। यानी जो कित्तूर राज्य यानी है, यानी उसकी स्वाधीनता है, जो स्वतंत्रता है, जो यानी क्या है उसका जो महत्व है, उसकी रक्षा के लिए क्या है सब लोग रानी चंद्रमा के इशारे पर क्या है बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। थैकरे ने यह सब देखा तो वह बौखला गया। बौखला जाना मतलब क्या है यानी अचल विचल हो जाना, घबरा जाना, यानी ये सब देख लिया, यानी सोचा कि सब लोग रानी चंद्रमा के पीछे है। अब रानी चंद्रमा यहाँ पे जो है यानी क्या करने वाली है, यानी अब यहाँ पे ये जो है रानी चंद्रमा क्या करेगी, अब इससे यहाँ पे जो है इसका रक्षक बनकर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए इसे देखकर क्या है जो एजेंट था वो क्या है बौखला उठा। उसने कंपनी को कित्तूर राज्य में अराजकता, जनता के साथ रानी का अत्याचार, युवा रानी द्वारा धन के दुरुपयोग की झूठी खबर भेज दी गई। उसने क्या किया यानी जो ठाकरे है बौखला हो गया, यानी वो क्या है विचलित हुआ, और उसने क्या किया जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी उस कंपनी को उसने क्या है यानी बता दिया अराजकता, वे राज्य करता ठीक तरह से नहीं है, जनता के साथ रानी का अत्याचार, नहीं जनता के साथ रानी क्या कर रही है अत्याचार कर रही है, रानी द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं क्या है, या फिर राजा ठीक तरह से नहीं है, राजा जनता के ऊपर जुल्म कर रहा है, और साथ ही साथ क्या है यानी जो पैसा है उसका क्या है दुरुपयोग सही तरह से क्या है इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसी खबर क्या है यानी कंपनी को दी गई। अतः कंपनी ने खजाने पर सैनिकों का पहरा बैठा दिया। अतः जो अंत में क्या है यानी जो खजाना है कित्तूर का, यानी जो खजाना है उस खजाने पर क्या है कंपनी ने क्या किया सैनिकों का पहरा बढ़ा दिया। इतना ही नहीं कित्तूर के विभिन्न शासकीय पदों पर कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति भी आरंभ कर दी। ने बताया गया अविश्वास दर्शाया गया, और इसीलिए जो खजाना है उसकी रक्षा के लिए क्या है अंग्रेजों के लोग तैनात किए गए, और साथ ही साथ जो कित्तूर राज्य है उस राज्य में जहां जहां पे यानी कुछ पद है शासकीय पद गवर्नमेंट यानी जो ऑफिशियली पद है उन पदों पर यानी जो पोस्ट है उन पोस्ट पर क्या है गवर्नमेंट के यानी क्या है अधिकारी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को भी क्या है यानी नियुक्त यानी क्या है अपॉइंटमेंट करने का क्या है कार्य शुरू कर दिए। रानी चंद्रमा ने कंपनी की हरकत का कड़ा विरोध किया, लेकिन अंग्रेज इस विरोध की भाषा कहाँ समझते थे, जो यानी जो कार्य चल रहा था इस कार्य का विरोध यहाँ पे क्या है रानी चंद्रमा ने क्या है करने का कार्य किया, लेकिन विरोध कितना भी करो लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी फर्क कोई नहीं पड़ता था। रानी ने सैनिक तैयारी आरंभ कर दी, रानी सोची यहाँ पे जो है विरोध किया लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होने लगा था। रानी ने सैनिक तैयार आरंभ कर दी, रानी ने क्या किया यहाँ पे सैनिक बनाना क्या है आरंभ कर दी। सेना को हर समय चौकस रहने का आदेश दे दिया, सेना बनाने का कार्य किया, और सेना को यानी ऐसी सूचना देने लगी रानी चंद्रमा, कहने लगी कि क्या है यानी तुम्हें हमेशा हर वक्त चौकस रहना, मतलब क्या है चौकन्ना रहना है, ऐसे आदेश दे दिया। रानी को निश्चय हो गया कि कित्तूर की रक्षा के लिए अब बलिदान की घड़ी आ पहुंची है, यानी अब रानी को यहाँ पे पता चला कि अब यहाँ पे जो हर एक यानी क्या है खजाने के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत हो गई, यानी बड़े बड़े यानी क्या है पद जो है यानी वहां पे क्या है यानी गवर्नमेंट द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या है यानी अपॉइंटमेंट नियुक्ति करना शुरू हो गया, अपॉइंटमेंट देना शुरू हो गया, तो अब पता चला कि यानी क्या है अब यानी
ये जो कित्तूर है यानी इस कित्तूर राज्य के लिए हमारे बलिदान देना क्या है, बलिदान देने का समय अब आ पहुंचा है। कंपनी का राजनैतिक एजेंट ठेकरे कंपनी के इशारे पर कित्तूर पर अपना अधिकार करने की योजना बना चुका था। जो कंपनी का राजनैतिक एजेंट, जो राजनीतिक जो राजकारण जो राज्य वहां के माहौल को बताने वाला जो एजेंट है यानी वो क्या था यानी अपना अधिकार करने की योजना बना रहा था, यानी उसे खुद को कित्तूर जो राज्य है उस पर क्या है अपना अधिकार बनाने का वो क्या है प्लान कर रहा था। ठेकरे ने चालाकी का सहारा लिया, एक तरफ तो अपनी फौज को कित्तूर पर आक्रमण के लिए सचेत रहने का आदेश दे दिया, दूसरी ओर रानी पर कुछ शर्तें थोपने के उद्देश्य से रानी से मिलने का समय मांगा। देखिए दो तरह से विचार करने वाला जो ठेकरे था यानी उसने क्या किया, चालाकी ने यानी ठेकरे ने चालाकी का सहारा लिया, एक तरफ तो अपनी फौज को कित्तूर पर आक्रमण के लिए सचेत रहने का आदेश दिया, यानी उसने क्या किया चालाकी के साथ अपने फौज को आदेश दे दिया, ये कहा कि हमें क्या करना है कित्तूर पर आक्रमण करना है, और दूसरी तरफ से यानी उसने क्या है रानी को कुछ शर्तें थोपने के उद्देश्य यानी ऐसे कुछ शर्तें देना है बताना है कि कंपनी की शर्तें यानी वो लेकर क्या है और रानी से मिलने के लिए क्या है समय मांगा। रानी ठेकरे की चालाकी समझती थी यानी रानी को पता था कि जो एजेंट है ठेकरे यानी इसकी चालाकी किस तरह से इसकी सोच क्या है ये बिल्कुल वो क्या है वहां पे रानी चंद्रमा क्या है समझ सकती थी, अतः उन्होंने ठेकरे को सूचित कर दिया कि वह मिलने से असमर्थ है। उसे पता था रानी चन्नम्मा को यानी ये क्या है नहीं दो तरह का व्यक्ति है इसलिए इसे मिलना कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए उसने क्या है मना यानी क्या है कर दिया मतलब असमर्थ है मतलब क्या है मिलने के लिए नहीं समर्थ नहीं है नहीं। अब तो ठेकरे क्रोध में संतुलित खो बैठा यानी क्या है यानी रानी को मिलना था उसे कुछ ना कुछ ऐसे कुछ नियम बताकर उसे क्या है अपने जाल में फंसाने वाला था लेकिन यहाँ पे मिलने से मना कर दिया था इसलिए ठेकरे क्रोध में संतुलित था संतुलन क्या है खो बैठा। उसने अपने सैनिकों की मदद से किले में जबरन प्रवेश करने का प्रयत्न किया यानी क्या है गुस्से में आया और गुस्से में आकर अपने जो सैन्य है फौज है यानी उन फौज को क्या है यानी आदेश दिया कहाँ पे जाने के लिए किले में प्रवेश करने के लिए। रानी चंद्रमा पहले से ही चौकन्नी थी यानी रानी चंद्रमा को पहले से ही पता था यदि इसे नहीं मिलेंगे तो ये क्या है कुछ ना कुछ गलत काम करेगा इसीलिए यहाँ पे क्या है वो चौकनी थी। किले की चार दीवारी व दरवाजे पर सैनिकों का सख्त पहरा था यानी चार दीवारी यानी जो किला है यानी किले के आसपास यानी हर तरफ से क्या है यानी क्या था यानी पहरा था और दरवाजे पर भी क्या है सख्त पहरा था। दरवाजा न खुल पाया तो ठेकरे ने फाटक तोप से उड़ाने की धमकी दी और इसके लिए 24 घंटे का समय दिया। यानी देखिए यानी जो सैनिक है उन्हें क्या है अंदर घुसने के लिए क्या है आदेश दे दिया गया लेकिन रानी पहले से होशियार थी चालाक थी इसलिए उन्होंने क्या है पहरा लगा दिया गया था अंदर से लेकिन दरवाजा न खुलने के कारण उसने आदेश दे दिया कहा यदि अगर दरवाजा न खोला जाए तो कैसे तो उसे उड़ा लिया जाएगा यानी क्या है तोफ लगा कर इस दरवाजे को क्या है उड़ा दिया जाएगा। तुम्हें क्या है 24 घंटे का समय है दरवाजा खोलने के लिए सोच लो। इस 24 घंटे के समय में रानी ने बड़ी हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया यानी उसने 24 घंटे का समय दिया था और 24 घंटे के समय में रानी ने सूझबूझ समझदारी से हिम्मत से काम लिया और अपने यानी क्या है काम को अंजाम देने का काम यहाँ पे क्या है किया गया। 23 अक्टूबर 1824 का दिन था। रानी ने अपने सैनिकों को ललकारा सैनिकों वह दिन आ गया है जिस दिन के लिए माताएं अपने वीर पुत्रों को जन्म देती है। 23 अक्टूबर 1824 का दिन था। अब रानी ने यहाँ पे क्या है अपने सैनिकों को ललकारा ललकारा मतलब क्या है कहा यानी बताया कि सैनिकों वह दिन आ गया है जिस दिन के लिए माताएं अपने वीर पुत्रों को यानी जो माता अपने बच्चों को यानी वीर साहसी जो बनाती है वो इस दिन के लिए बनाती है तो वो दिन आज आया है। किले का फाटक खुलते ही पहले तोपों पर अपना कब्जा कर उनका मुंह मोड़ दो। तुम्हें क्या करना है जैसे ही हम फाटक खोलेंगे तो तुम्हें क्या करना है सबसे पहले
ने जो तोहफे है उन तोहफों के ऊपर क्या है अपना कब्जा जमाना है, उसके ऊपर अपना हक जमाना है, और जमा कर उसे क्या करना है, उसका मुंह दूसरी ओर मोड़ देना है। किले का फाटक खुला, फाटक खुलती ही टिड्डी दल की तरह रानी के सैनिक शत्रु पर टूट पड़े। जैसे फाटक खुला, फाटक खुलते ही यानी झट से सारे के सारे की तुरानी चंदमा के सैनिक यानी उस तोप पर क्या है टूट पड़े। तोपों का मुंह मोड़ दिया गया, भारी संख्या में कंपनी के सैनिक मारे गए, यानी उसके ऊपर टूट पड़े। और टूट पड़कर क्या है यानी जो तोप है यानी तोपों का मुंह मोड़ दिया गया, और मोड़ देकर क्या है यानी यहाँ पे जो है बहुत से सैनिक मारे गए। रानी के सैनिकों ने अपने गद्दार सैनिकों मल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव को भी तोप से उड़ा दिया, थैकरे मारा गया। देखिए यहाँ पे जो है रानी के सैनिकों ने क्या किया यानी असंख्य यानी क्या है भारी संख्या में क्या है अंग्रेजी सेना के सैनिकों को मार दिया गया। जो गद्दार था यानी जो दो लोग गद्दार थे मल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव जो कि अपनी ही कित्तूर के रहने वाले, उन दो व्यक्तियों को भी मार दिया गया उसमें, जो कि अपने कित्तूर से यानी क्या है यानी विरोध कर रहे थे, इसीलिए उन्हें भी मार दिया गया। और साथ ही साथ जो ठेकरे था वो भी मारा गया। सेनाधिकारी स्टीवेंसन व इलियट पकड़े गए, यानी दो अधिकारी सेना के अधिकारी यानी सेना प्रमुख जो दो लोग थे यानी दो लोग यानी यहाँ पे क्या है पकड़े गए। रानी चंदम्मा के वीर सिपाहियों ने अपनी शपथ का निर्वाह कर कित्तूर की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। यानी यहाँ पे जो है यानी दो अधिकारी यहाँ पे क्या है अंग्रेजी अधिकारियों को क्या है अपने गिरफ्त में ले लिया, और सिपाहियों ने जो यानी शपथ ली थी उसका क्या है पूरी तरह से क्या है पालन किया था। रानी चंदम्मा का पलड़ा भारी था, फिर भी रानी ने कंपनी का थैकरे की काली करतूतों एवं कंपनी को गलत सूचना देकर धोखे में रखने के बारे में पत्र लिखा। यानी जो है रानी यानी क्या है यहाँ पे पलड़ा, पलड़ा मतलब क्या है यानी इसका वर्चस्व, रानी चंदम्मा का वर्चस्व बहुत भारी था, वो भारी वर्चस्व होने से क्या है यानी यहाँ पे सारी की सारी करतूत यानी जो थैकरे की थी उसके बारे में बताने का कार्य यानी जो कुछ भी गलत तरीके से जो धोखा यानी क्या है धोखे में रखने का कार्य कंपनी को किया गया था वो सारी बातें क्या है कंपनी को क्या है पत्र लिखकर बताने का कार्य यहाँ पे रानी चंदम्मा ने किया है। रानी ने कंपनी को दो बड़े अधिकारियों के बारे में शर्त रखी कि भविष्य में कित्तूर राज्य की ओर कंपनी का कोई अधिकारी आंख उठाकर भी न देखे, वहां कित्तूर की स्वतंत्रता का सम्मान किया है। यानी शर्त उसने ऐसी रखी, दो अधिकारी कंपनी के दो बड़े अधिकारियों के बारे में शर्त रखी कि भविष्य में जो अधिकारी यानी हिरासत में थे कित्तूर के यानी रानी के यानी उन्होंने उसे छोड़ने के लिए शर्त रखी। यानी कौन सी शर्त है, कित्तूर राज्य की और कंपनी का कोई अधिकारी आंख उठाकर न दे और कित्तूर की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, यानी कित्तूर की एक स्वतंत्रता आजादी रहेगी और साथ ही साथ क्या है इसकी ओर कोई आंख उठाकर कोई अधिकारी नहीं देखेगा। कंपनी ने रानी की दोनों शर्तें मानने वाली बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, अंदर ही अंदर से बदला लेने की ठान ली। कंपनी ने सूक्ष्म काल में ही विपुल शक्ति जुटा ली। देखिए यानी जो शर्तें रखी थी यानी उस पर क्या है मानने वाली बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जो मानना है ऐसा क्या है उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसने कहा रानी ने जो कहा था उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन रानी ने जो कार्य किया था उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे क्या है कंपनी जो थी अंग्रेज जो थे उसके ऊपर क्या है जुट लिया। सूक्ष्म यानी कम समय में अधिक यानी क्या है यानी संख्या को क्या है जुटा लिया सैनिकों को। 30 नवंबर की प्रातःकाल यानी सुबह का वक्त कित्तूर के किले को चारों ओर से घेर लिया गया। रानी को अंदर संदेश भेजा गया कि यदि दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया जाए तो आक्रमण टाला जा सकता है। देखिए जो विशेषता है उन्होंने जो बताई गई थी उसके ऊपर कोई किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी सूक्ष्म काल में थोड़े से समय में उन्होंने क्या है अधिक यानी क्या है सैन्य जमा किया और सैन्य जमा कर फिर से उन्होंने क्या है सुबह के समय कित्तूर का जो किला है उसे क्या है चारों ओर से घेर लिया गया और अंदर एक संदेश भेजा गया और कहा गया कि दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया जाए तो आक्रमण टल जाए, यानी जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध को क्या है रोका जा सकता है।
यानी किन्हें रिहा करने के बाद जो दो लोग यानी क्या है अंग्रेजों की जो हिरासत अंग्रेजी अधिकारी जो हिरासत में है रानी के उन लोगों को छोड़ने के बाद रानी चंदम्मा इस बार धोखा खाकर कंपनी के चाल में फंस गई। रानी ने दोनों तरफ के खून खराबे से बचने के लिए दोनों अधिकारियों को मुक्त कर दिया। रानी इस बार क्या है धोखा खाई थी क्योंकि उन्हें क्या था रानी के खिलाफ बदला लेना था और बदले के भावना में उन्होंने क्या है ये कार्य किया गया था। दोनों अधिकारियों को यहाँ पे क्या है उसने सोचा कि यानी दोनों अधिकारी को छोड़ने से क्या है खून खराबा है जो होने वाला है वो क्या है रुक जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या है रानी ने क्या है मुक्त कर दिया था दोनों अधिकारियों को। कंपनी ने विश्वासघात किया और कित्तूर के किले की दीवारों की और 200 भारी तोफों के मुंह खोल दिए। यानी देखिए यानी उन्होंने क्या है वैसे ही अधिकारियों को छोड़ दिया उस वैसे क्या है 200 तोफे यानी क्या है किले की ओर क्या है खोल दिए। तोफे आग उगलने लगी। 3 दिसंबर को गोलीबार आरंभ हुई। 24 घंटे तक धाय धाय करती तोफे आग बरसाती रही। रानी ने फिर भी हिम्मत न हारी। देखिए यानी क्या है 30 तारीख को ये छोड़ने का कार्य हुआ लेकिन 3 दिसंबर से यानी 200 तोहफे क्या है लाकर लगा दी गई और 3 दिसंबर से गोलीबार आरंभ हुआ। नवंबर 30 को हुआ तो 2-3 दिन बाद फिर से क्या है दिसंबर में ही क्या है 3 दिसंबर को क्या है यानी गोलीबार आरंभ हुआ। 24 घंटे क्या है तोहफे बरसती रही यानी आग बरसना है क्या है बारूद गोला बारूद जो तूफान यानी जो किया जाता है यानी गोला बारूद क्या है फेंका जा रहा था बरसती रही। रानी फिर भी हिम्मत नहीं यानी रानी क्या है अपनी हिम्मत क्या है नहीं हारी। रानी के कुछ साथियों ने विश्वासघात किया। इन साथियों ने रानी के किले के बारूद खाने के बारूद नष्ट करवा दिए। यानी क्या है रानी के जो लोग थे साथ में वो भी उसके साथ क्या है रानी के साथ क्या है धोखा किए थे। जो किले का बारूद है उसे क्या है नष्ट करवा दी। अब रानी असहाय थी यानी बेसहारा थी। अब सहारा नहीं था उसके पास कोई। इस अवस्था में भी अपने विश्वासपात्र सेनापति गुरु सिद्धप्पा के साथ मिलकर मुकाबला करती रहे। यानी असहाय थी असहायता नहीं थी यानी जो गोला बारूद था वो भी नष्ट कर दिया गया था यानी फिर भी अपना जो विश्वासु विश्वास जो खास भरोसेमंद जो सेनापति था गुरु सिद्धप्पा उसके साथ क्या है मिलकर मुकाबला करती रही। अंत में रानी को हार स्वीकार करनी पड़ी। रानी और सिद्धप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया यानी दोनों यानी क्या है लड़ते लड़ते दोनों को क्या है अंत में हार स्वीकार करना पड़ा क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा था इसीलिए वो हार स्वीकार करके उन्होंने क्या है यानी गिरफ्तार कर लिया गया था। रानी की ख्याति को देखते हुए अंग्रेजों को भय था। ख्याति मतलब क्या है प्रसिद्धि यानी रानी की प्रसिद्धि को देखते हुए अंग्रेजों को भय था डर था कि जनता किसी भी समय विद्रोह कर सकती है। विद्रोह मतलब क्या है विरोध यानी क्या है कर सकती है यानी क्या उनके विरोध में अंग्रेजों के विरोध में क्या है उठ सकती है ऐसा क्या उन्हें लगने लगा था क्योंकि यानी रानी की प्रसिद्धि की वजह से। अतः रानी को सख्त पहरे में बेलगांव के दुर्ग से धारवाड़ ले जाया जा रहा था। यानी क्या है देखिए अतः रानी को सख्त पहरे के साथ में क्या है बेलगांव से दुर्ग से यानी क्या है धारवाड़ ले जा रहा था। जनता को इसका पता चल गया। जनता ने विद्रोह कर दिया। लोग अपने जीव की परवाह किए बिना सैनिकों पर टूट पड़े। रानी को मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयत्न किया यानी क्या है यानी दुर्ग के द्वारा क्या है लेकर जा रहे यानी क्या है बेलगांव से धारवाड़ तरफ क्या है रानी को लेकर जा रहे हैं लेकिन इसका पता जैसे लोगों को चला लोगों ने इसके विरोध में क्या है विद्रोह किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए क्या है सैनिकों पर टूट पड़े यानी क्या है लड़ने के लिए क्या है टूट पड़े लेकिन रानी को यानी क्या है मुक्त कराने के लिए प्रयत्न किया। निहत्थी जनता हथियारों से सुसज्जित सेना के सक्षम जान पर खेल गई लेकिन अपनी प्यारी रानी को मुक्त नहीं करा सकी। जो इनके पास हथियार नहीं है यानी हथियार वाले लोगों के साथ क्या है ये लड़ने लगे लेकिन क्या करे यानी जो जो अंग्रेजी सेना थी उनके पास हथियार थे हथियार की वजह से क्या है निहत्थी यानी क्या है जिसके पास हथियार न हो ऐसे लोग क्या है यानी सक्षम यानी जान पर खेल गए लेकिन अपनी प्यारी रानी को क्या है मुक्त नहीं करा सके।
धारवाड़ की जेल में 2 फरवरी 1829 को रानी परलोक सिधार गई, यानी क्या है धारवाड़ की जेल में रानी को रखा गया, यानी बेलगांव से धारवाड़ लेकर गया, लेकिन युद्ध हुए यानी लड़ाई किए लोगों ने, लेकिन फिर भी क्या है यानी बिना हथियार के लड़ नहीं सकती थी, इसलिए क्या है वो उसे धारवाड़ लेकर यानी क्या है स्वतंत्र आजाद कराने में क्या है असफल रहे। यानी 2 फरवरी 1829 को यानी क्या है रानी परलोक सिधार गई, यानी क्या है रानी का क्या है देहांत हो गया। सेनापति सिद्धप्पा को फांसी पर चढ़ा दिया गया, रानी क्या है मर गई और यानी सिद्धप्पा को क्या है फांसी पर चढ़ाया गया। 23 अक्टूबर 1824 को रानी ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को ललकारा था, यानी 23 अक्टूबर 1824 को रानी ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को ललकारा था। आता दक्षिण भारत में रानी चन्नम्मा की याद में यह दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो रानी जो थी यानी सबसे विश्व की सबसे यानी शक्तिशाली कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके विरोध में क्या है आवाज़ उठाई थी, और इसीलिए दक्षिण भारत कर्नाटक यानी जो है दक्षिण भारत में यानी यह दिन यानी महिला दिवस के रूप में यानी मनाया जाता है। धन्य है ऐसी वीरांगनाएं जिनके बलिदान ने हमें स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए प्रेरित किया, यानी क्या है इनके वजह से ही आज क्या है हम स्वतंत्रता यानी प्राप्ति यानी क्या है स्वतंत्रता आजादी प्राप्त करने के लिए हमें क्या है प्रेरित किया गया, यानी क्या है प्रेरणा हमें क्या है दी गई थी। इसी तरह से यहाँ पे जो है यानी क्या है कि तुर्की रानी चन्नम्मा जो छोटा सा आठ क्या है समाप्त होता है। अब आप लोगों को शब्दार्थ सही विकल्प लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय यानी लिखना है, भाषा ज्ञान आपकी किताब में ही क्या है लिखना है, यदि कुछ समझ में ना आए हो तो आप क्या कर सकते हो पूछ सकते हैं। यहीं पे रुकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।